इसके साथ हम 10 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं इनके साथ क्या होता है और क्या सवाल का जवाब देते हैं। आप रेडी है आकाश जी? यस यस। ये मॉडल अपने टाइम का काफी सक्सेसफुल मॉडल रहा। इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा ऐप मैंने डाउनलोड करके रखा है जो बहुत स्मूथली तरीके से अभी भी वर्क कर रहा है। जबकि बता दूं ये जो आईफोन है आज से लगभग 4 साल पहले लॉन्च करी थी और आज मार्केट में रन अभी भी कर रहा, मिल भी रहा। पर सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, क्या इस फोन को अभी भी लेना चाहिए सेकेंड हैंड या फर्स्ट हैंड कहीं पर या किसी से भी? ये सवाल पूरा जवाब मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। इसके लिए मैंने, मेरा एक फ्रेंड है उसी को इस वीडियो में लाया हूं, उससे बात करते इस फोन के बारे में। इसके अलावा बहुत सारी चीजें के बारे में बात करेंगे स्मार्टफोन से रिलेटेड। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हाँ, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन में जाकर ऑल कर दीजिएगा ताकि सारा नए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जैसा कि देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी वगैरह भी बहुत बढ़िया है इसका, पर सवाल उठता है अभी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए। कैसा है मॉडल? मिलते हैं उस दोस्त से, आपको मिलाता हूं। अच्छा है, डिसेंट है, काफी टाइम हो गया मेरे यूज करते हुए अभी तो। कितना पहले आपने लिया था इस मॉडल का? आई गेस ये मैंने लिया था 3 साल पहले। और आईफोन का ये मॉडल कैसा है? आईफोन 11 अगर अभी लेना चाहते हैं तो 4G है, बाकी आपका चॉइस, अगर आप ले सकते हैं तो ठीक ही रहेगा, 4G है। 4G है। अच्छा, एक स्मार्टफोन अगर कोई लेना चाहे तो उसमें क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो उसका क्या यूज़ है उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे मेरा पर्पस है कि मैं थोड़ा वीडियोस वगैरह थोड़ा बनाता हूँ, चिल करता हूँ दोस्तों के साथ, तो फोटोज़ लेता हूँ, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो इसके कारण मैंने आईफोन परचेज किया था। इसलिए मैंने पूछा कि आप बोले कि इसको ले सकते हैं या चूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने बोला, क्योंकि ये 4G है इसलिए मैंने पूछा कि आप फ़ोन लेने से पहले क्या देखना चाहिए। अगर अभी आप फ़ोन लेने चाह रहे हैं तो अभी 5G में अपडेट हो चुका है, तो आप आईफोन 12 या 13 की तरफ भी जा सकते हैं। 12 या 13 की तरफ जा सकते हैं। अगर एक बंदा है, ठीक है, ये अगर पूछे आप आईफोन लेना चाहते हैं तो फिर जा सकते हैं 13 या 12 की तरफ। अगर मैं पूछूं आपसे पर्सनली कि ये फ़ोन आपको कैसा लगा? ये थोड़ा आईफोन में मुझे ये कुछ लगा कि ये बैटरी जो है, ये बैटरी सिग्निफिकेंट डिक्रीज होता है इसका, तो ये सबसे इसका डिमेरिट है, ये अभी तक मुझे जो फील हुआ है। बाकी फ़ोन एट द एंड बहुत अच्छा ही है, अभी 3 साल हो गए हैं, फ़ोन काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, इंटरनल स्टोरेज भी काफ़ी इनफ है, 128 GB है मेरी फ़ोन की। ओवरऑल क्या बोलेंगे इस आईफोन 11 के बारे में? ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। अगर आप को अगर अभी अगर आईफोन 11 परचेज करना है तो आई गेस इसके ऊपर आप 28,000 या 30,000 तक जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं इस आईफोन 11 के लिए। लेकिन अगर कोई नया बंदा है जो आईफोन लेना चाहता है, उसको 4G नहीं 5G की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, तो आई गेस अगर उसको ऑफर्स या डील मिला के अगर अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे अगर 13 उसको बजट पे मिल रहा है तो फिर 13 की तरफ मूव करना चाहिए। या ये सही बात रहा। इसके साथ हम 10 रैपिड फायर क्वेश्चन पूछेंगे, देखते हैं इनके साथ क्या होता है और क्या सवाल का जवाब देते हैं। आप रेडी है आकाश जी? यस यस, मैं रेडी। सबसे पहला क्वेश्चन है आपसे रैपिड फायर में, डिस्प्ले में कौन सा बढ़िया होता है स्मार्टफोन के लिए? एमोलेड सैमसंग। दूसरी, कैमरा में सबसे बढ़िया कौन सा है? आई गेस एप्पल। आप OIS या फिर EIS किस में बेहतर प्रिफर करेंगे? अभी तो मैंने iOS यूज कर लिया तो एंड्रॉइड की तरफ शिफ्ट करूंगा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आईफोन का कौन सा मॉडल सबसे बढ़िया आपको है अभी या फिर लेना पसंद करेंगे? आईफोन 15, और अगर आपको बैटरी चाहिए तो 15 प्लस। ओके, एंड्रॉइड में सबसे अच्छा फ़ोन कौन सा कंपनी का होता है? मेरे हिसाब से एस सीरीज S23, ये हैंडी भी है, बस थोड़ी बैटरी कम है उस पर, 3800 mAh की बैटरी आई आई थिंक। बैटरी से एक सवाल और पूछते हैं आपसे, बैटरी में सबसे ज़्यादा mAh बैटरी होने पे क्या बैकअप सबसे ज़्यादा मिलता है स्मार्टफोन में? नहीं, ये मेरे हिसाब से ये एक्सपीरियंस मेरा ऐसा रहा नहीं बैटरी से रिलेटेड, तो मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। अच्छा, चार्जिंग को लेकर पूछते हैं,
आपको मार्केट में 240 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिल गया या मिल रहा है, तो क्या फास्ट चार्जिंग लोगों को लेना चाहिए या नहीं? हाँ या ना मेरे जवाब? यूजर्स के हिसाब से ले सकते हैं, मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। दूसरी सवाल, अभी के डेट में बहुत सारे लोग कॉल्स में बात करते हैं, नॉइस कैंसिलेशन का नाम आपने सुना है, बहुत लोग सुनते भी हैं, नॉइस कैंसिलेशन वाला फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए, ऑफकोर्स लेना चाहिए, फीचर्स है तो मिलेगा, फ़ायदा उठाना चाहिए नॉइस कैंसिलेशन वाला फ़ोन का। नॉइस कैंसिलेशन से फ़ायदा क्या होंगे लोगों को? नॉइस कैंसिलेशन उतना तो पता नहीं, बस इतना पता है बाहर के आउटडोर साउंड को कैंसिल आउट कर देते, जो सटीक आवाज़ होता है वही सुनाई देगा, जैसे अभी स्टेशन पे बैठे हुए हैं और उधर से कोई बोल रहा है तो वैसे ही सुनाई देगा, मतलब सटीक आवाज। बिल्कुल परफेक्ट बोला। स्मार्टफोन परचेज करने जा रहे हैं, क्या उसमें मेटल बॉडी परफेक्ट होता है या फिर पॉलीकार्बोनेट बॉडी? ये आई थिंक पता नहीं कौन सा बॉडी है, ये बॉडी ठीक है लेकिन मेरे हिसाब से अब मेटल बॉडी, या फिर अगर अभी 14 या 15 प्रो पे ये आया है ना, क्या बोलते हैं उसको, टाइटेनियम बॉडी, या टाइटेनियम बॉडी, टाइटेनियम फ्रेम के साथ आता है, वो भी अच्छा है, मैंने छू के देखा है, ऐसे यूज़ तो नहीं किया। एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट लोगों के बीच में अभी उड़ते उड़ते आ रहा है कि अभी के डेट पे 5G कितना इम्पोर्टेंट है और 5G में क्या देख के लेना चाहिए लोगों को? 5G में सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये देखो भाई कि आपके घर पे या फिर आप जहाँ पे यूज़ कर रहे हो फ़ोन, वहाँ 4G सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। 5G में बैंड जरूरी रखता है? हाँ, जरूरी है। 5G में बैंड होगा तभी तो सपोर्ट करेगा, तभी तो नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छे से आएगी, तभी अच्छे फास्ट इंटरनेट का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। मीडियाटेक या स्नैपड्रैगन कौन सा बेहतर है? स्नैपड्रैगन। वाह, अगर आप मीडियाटेक और एग्जिनोस का प्रोसेसर कंपेयर किया जाए तो कौन सा? कंपेयर ही नहीं है, मीडियाटेक अच्छा है।